नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन ऐप्स की जो कि इंडिया में बैन हो चुके हैं, लोग उसे अभी भी यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, और सबसे बड़ी यहाँ पर गलती आती है यूट्यूबर्स की या फिर उन लोगों की जो कि इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ है फैलाते हैं, लोगों को बताते हैं, इस तरह वाहियात ट्रिक्स होती है वो लोगों को बताते हैं। दोस्तों मुझे ये बात कहते हुए शर्म आ रही कि इंडिया के ही कुछ ऐसे यूट्यूबर जो ये सिखा रहे हैं कि बैन ऐप को कैसे करें। भाई ये क्या है, इंडिया में इन ऐप को इसलिए बैन किया गया ताकि लोग इसके से बच सके या फिर इनकी प्राइवेसी पॉलिसी उसे सिक्योरिटी है देश की उसे बचा सके, ना कि इसलिए कि लोग इसे सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा सभी यूट्यूबर्स के, प्लीज़ भाई ऐसा मत कीजिए। आप अगर इस तरह की एक्टिविटी सिखा रहे हैं तो लोग इसका शिकार बनेंगे एंड किसी न किसी को तो किसी न किसी दिन हमारे देश को इसका नुकसान लेना पड़ेगा। सो गाइस, ये आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप अगर यूट्यूबर है, मेरे से बड़े हैं, मेरे से छोटे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं भी यूट्यूबर हूँ, मेरा कहने का यही फ़र्ज है कि आप ऐसा मत कीजिए। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि इस तरह की ट्रिक्स यूज़ कर इस तरह की जो एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं। भैया ये सारी ऐप जो सरकार ने बैन कर दी है इंडिया में, और आप कल को किसी VPN वगैरह ऐसी ट्रिक्स जो वाहिया ट्रिक्स है वो यूज़ कर इन ऐप को यूज़ करते हो तो आपको इससे क्या मिलता है? ना 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड का आपको एक सिर्फ थोड़ी सी मजाक मिल जाती है, या फिर आप TikTok यूज़ कर सकते हो या फिर इस तरह के वाहियात एप्लीकेशन यूज़ कर दोस्तों आप अपने देश को खतरे में डाल रहे हो। क्योंकि अगर यहाँ पर सरकार ने फाइनल दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन ऐप को बैन किया हुआ है, और आप अगर प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हो, अपना VPN जो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ करते हो और इन ऐप को उसके जरिए यूज़ करते हो, तो आपके ऊपर कितना बड़ा अटैक हो सकता है वो आपको किसी ने नहीं बताया हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपके साथ साइबर अटैक हो सकता है, आपकी जितनी भी डिटेल्स होती है वो ले सकते हैं। और यहाँ पर चौंकाने वाली यही बात है कि आप इसकी रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही इन ऐप को बैन किया हुआ है, और अगर आप यूज करते हो इन ऐप को तो ये इनलीगल है। एंड दोस्तों आप इसे यूज करते हो और आपके साथ अगर इस तरह का फ्रॉड होता है या फिर आपके साथ इस तरह के साइबर अटैक वगैरह होते हैं तो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट का, और दोस्तों आप उंधे फंस सकते हो। यानी कि गाइस इस तरह के एप्लीकेशन को बिल्कुल भी मत यूज कीजिए जो कि बैन हो चुकी है, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ खामी होती है या फिर कुछ ना प्राइवेसी वगैरह का जो डर होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे बैन की हुई है। अगर आप थोड़े दिन जाओगे, नहीं यूज करोगे, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही ये सारे की सारी स्थिति जो वापस लाइन पर आ जाएगी तो कुछ ना कुछ तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल काफी गंभीर स्थिति है तो आप फिलहाल इस तरह का कोई भी कदम ना उठाए। एंड दोस्तों जो भी एप्लीकेशन है जो बैन हो चुके उसे अपने जो मोबाइल उसके अंदर से डिलीट मार दे और बिल्कुल भी अनइंस्टॉल कर दे। अपने मोबाइल के अंदर भी इसे रखना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जो भी हैकर्स हो वो आपके साथ साइबर अटैक कर सकते हैं, आपके डेटा चोरी कर सकते हैं, आपके जो पैसे होते हैं वो चोरी कर सकते हैं, इन तरह के जो भी बैनड ऐप्स है। क्योंकि दोस्तों प्ले स्टोर से जब ऐप बैन हो जाती है तो उनका जो कंट्रोल होता है या फिर उनका जो कनेक्शन होता है डेवलपर के साथ वो बिल्कुल भी कट हो जाता है, और वो ऐप है वो एक साइड अलग से ऐप बन जाती है, उसके अंदर ना तो कोई डेवलपर का कनेक्शन होता है ना उसके अंदर अपडेट आता है। सो गाइस किसी भी तरह का वायरस उसके अंदर इंस्टॉल होकर दोस्तों उस ऐप को मॉडिफाई कर आपका डेटा चोरी किया जा सकता है। सो गाइस यही है रीजन कि भैया आप बिल्कुल भी मत यूज कीजिए इस तरह की एप्लीकेशंस को जो कि गवर्नमेंट ने उसे बैन किया हुआ है। सिर्फ TikTok ही नहीं दोस्तों, जितनी भी ऐप बैन है इंडिया में आज हो चाहे दोस्तों पहले हो, लेकिन उसे आपको यूज नहीं करना चाहिए। सो गाइस फाइनली आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझ पाए एंड दोस्तों इस तरह की एप्लीकेशंस यूज ना करें। सो गाइस फाइनली आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।